मंत्री है वो जान रहे हो कौन है? वो प्रधानमंत्री चाय वाले हैं, वो चाय वाले हैं। वो कहते हैं हम चाय बेचे, पहले बेचते थे, अब अभी हमने देखा है कि एक साइकिल और चाय वाली केतली स्टेशन पे टंगी है। हम लोगों ने समझा कि यह है मोदी की, हम समझ गए हैं मोदी की है। और हमारे जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है वो कौन है जानते हो तुम लोग? वो है गाय वाला, वो गाय वाला है, वो गाय की पूजा करता है, वो कहता है हमारी गौ माता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की गाय माता जब मर जाती है तो उनके कीड़ा पड़ जाते हैं, उनको कंफन नहीं नसीब होता है, उनको कपड़ा नहीं दिया जाता है। और वो कहते हैं हमारी गाय माता है जो हमारी फसल बर्बाद कर रही है, हमको लोगों को जीने नहीं देती है। एक एक दो दो तीन तीन बीघा वाले किसान, उनकी फसल जब से सरकार आई है वो एक दाना नहीं पैदा कर पाए हैं। और कहते हैं कि हम जनता की सेवा करते हैं, हम जनता के सेवक हैं। और एक चीज यह है, इन्होंने क्या किया साथियों? गैस सिलेंडर बांट दिया। इन्होंने क्या कहा कि हम महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है? वह गैस सिलेंडर 1000 रुपये का भत्ता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, लोग 6-6 महीना 1-1 साल उसको भरा नहीं पाते हैं। और आज ये देखिए कि मनरेगा की मजदूरी कितनी है। हम देखते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में 175 रुपया गैस सिलेंडर कितने का है? 1000 का। अगर हम लोग मांग करते हैं तो उन्होंने क्या कहते हैं कि बजट नहीं है। जो सन 2006 में उन्होंने बजट बनाया तब हमारी मजदूरी 58 रुपया थे, वही बजट आज उनके पास धरा है। मजदूरों के लिए कोई बजट नहीं है, मजदूरों के लिए मनरेगा में काम नहीं है। अगर मजदूर काम करते हैं तो 6-6 महीना हो जाते हैं, उनका भुगतान नहीं होता है। और राम मंदिर के लिए वो तैयारी करते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे। काम जो गरीब है, जो किसान है, उनका क्या राम मंदिर से पेट भर जाएगा? उनके बीवी बच्चे, उनका परिवार का राम मंदिर से पल जाएगा? नहीं पलेगा। उनको जब परिवार पलेगा, जब उनको मजदूरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, राशन 5 किलो के बजाय उनको 20 किलो मिलेगा, तब उनका परिवार पल पाएगा। तो हमारा कहना यही है कि हमको चाय वाले को चाय पकड़ाना पड़ेगा कि आप जाइए, हम भारत देश के प्रधानमंत्री हटिए, सन 2019 में आप चाय बेचिए। और हम उत्तर प्रदेश से जो गाय वाला हमारा मुख्यमंत्री है उसको हम गाय चरवाएंगे।